नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने वाली बलूचिस्तान की मशहूर सोशल वर्कर करीमा बलोच की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनकी लाश कनाडा में टोरंटो पर मिली है। करीमा बलोच 2 दिन से लापता थी। अपनी जान बचाने के लिए 4 साल पहले उन्होंने पाकिस्तान छोड़कर कनाडा में पनाह ली थी। आखिरी बार उन्हें 20 दिसंबर को देखा गया था। टोरंटो पुलिस उनकी तलाश में लगी हुई थी। अब करीमा बलोच के परिवार ने उनकी मौत की पुष्टि की है। कुछ साल पहले करीमा बलोच की लोकप्रियता भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। दरअसल रक्षाबंधन के मौके पर करीमा बलोच ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी भेजकर कहा था कि वो अपने भाई से कुछ कहना चाहती है। करीमा ने कहा था कि बलूचिस्तान में कितने ही भाई लापता हैं, कई पाकिस्तान की सेना के हाथों मारे जा चुके हैं। बहनें आज भी अपने लापता भाइयों की राह तक रही हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपको बलूचिस्तान की बहनें भाई मानती हैं। आप बलोच नरसंहार, युद्ध अपराध और ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बलोचों की बहनों की आवाज़ बनी। पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने की वजह से करीमा बलोच को पाकिस्तान छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और कनाडा में शरण लेनी पड़ी। बीबीसी ने 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में करीमा बलोच को जगह दी थी। बलूचिस्तान में करीमा की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि वो पाकिस्तान की आंखों में खटकने लगी थी। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भी पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। करीमा बलोच की संदिग्ध मौत को लेकर सोशल मीडिया पर लोग अफसोस और चिंता जता रहे हैं। कनाडा में संदिग्ध परिस्थितियों में करीमा बलोच की लाश मिलने के बाद अब सनसनी फैल गई है। लोग सवाल उठा रहे हैं और ये सीधा सवाल पाकिस्तान को लेकर है और शक जताया जा रहा है कि इस मौत के पीछे या हत्या के पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। इससे पहले मार्च में भी एक और बलोच शरणार्थी और पत्रकार साजिद हुसैन स्वीडन से गायब हो गए थे। बाद में उनकी भी लाश ऐसे ही मिली थी। उनके परिवार ने भी हत्या का शक जताया था। हालांकि अब एक रिपोर्ट में भी ये दावा किया जा रहा है कि इस हत्या के पीछे ISI का हाथ हो सकता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।